यह एक ऐसा कॉम्पैक्ट वीडियो है जो आपके कई सारे सवालों के जवाब अकेले दे देगा और मर्चेंट नेवी में ज्वाइनिंग से रिलेटेड उन सारे समस्याओं का समाधान आप खुद एक मिनट में कर सकेंगे कहीं भी कभी भी। हर सीफेयरर्स का एक समय होता है जब उन्हें पता ही नहीं रहता है कि फ्रॉड एजेंट एजेंसियों से कैसे बचें, बिना एजेंट के डायरेक्ट कंपनी से ज्वाइनिंग कैसे कराएं, मात्र एक हफ्ते के अंदर जहाज पर सबसे फास्ट ज्वाइनिंग कैसे कराएं, कैसे पता करें कि जो ऑफिस या एजेंसी आपको जहाज़ पर भेज रही है अच्छी है या फ्रॉड, उसका RPS लाइसेंस है या नहीं है, अगर है भी तो वैलिड है या इनवैलिड है। अभी कुछ सेलर्स को मैं जानता हूं जिनके साथ मैं काम किया हूं, उनका पहला सी सर्विस टाइम मास्टर चेकर पर अपलोड ही नहीं हुआ है। यह वीडियो इन्हीं सवालों का जवाब देगा क्योंकि इस वीडियो में हम DGCP के वेबसाइट पर जाकर सभी वैलिड इनवैलिड सस्पेंडेड या ब्लैक लिस्टेड RPSL एजेंसियों और शिपिंग कंपनियों के लिस्ट को देख सकेंगे। तो अभी DGCP के वेबसाइट पर जाने के लिए फायरफॉक्स में आ गए, यहाँ पे लिखेंगे DGCP, तो जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करेंगे। अभी ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग का वेबसाइट आ गया, उसको ओपन किए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बेहतरीन लुकआउट के लिए नीचे राइट साइड में 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक करके ये डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये RPS एजेंसी करके आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर अगला अपडेटेड पेज आएगा तो उसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ एजेंट्स, ऐसे करके इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज ऐसे खुल के आ जाएगा। इस तरह इसमें सारे RPSL एजेंसियों और शिपिंग कंपनियों के बारे में एंटर किया गया है। और अच्छे समझने के लिए हमने इसे जूम किया है। अभी हमने वैलिड RPSL लिस्ट पे क्लिक किया है और एक बार में 10 दिखा रहा है, यहाँ पे 1000 एंट्रीज में है और ये कंपनियों का लिस्ट है। अभी एक बार में 10 दिखाएगा, हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे पहला है अपोलो क्रू मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका लाइसेंस नंबर भी दिया है, कब ये इशू हुआ था और एक्सपायरी कब है, ये कब इशू हुआ, इशू डेट के भी रहता है या फिर रिन्यूअल कब हुआ वो भी रहता है उसके जगह पे, एक्सपायरी डेट है इसका, एड्रेस है। फिर इधर आगे बढ़ेंगे तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट वगैरह ये सब कुछ आगे दिया रहेगा, यहाँ फ़ोन नंबर ईमेल एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। और एक बात और कि ये सारे कंपनियों के ईमेल एड्रेस जो है, इन सब का ईमेल एड्रेस आप कॉपी करके एक साथ सब पे भेज सकते हैं एक मिनट के अंदर। जितनी 500 से ऊपर कंपनियां हैं एक मिनट के अंदर सारे कंपनियों में एक साथ भेज सकते हैं। तो किसी न किसी कंपनी से रिप्लाई तो आएगा ही और इतना कॉल आएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, तो ज्वाइनिंग तो एक हफ्ते के अंदर पक्का हो ही जाएगा। किसी एजेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंपनी से ही अपना ज्वाइनिंग करा सकते हैं। स्टेटस भी देख सकते हैं, सब वैलिड है लिखा हुआ है। अभी एक साथ 10 नहीं 100 कंपनियों के बारे में जानना हो तो इस 110 है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देंगे तो अब एक साथ 100 कंपनियों के बारे में, RPSL एजेंसियों के बारे में, उसके बारे में ये डिटेल से यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद 100 से ऊपर की और भी कंपनियों के बारे में जानना हो तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या फिर 2 पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद से 100 से ऊपर के जो कंपनियाँ हैं, जैसे यहाँ 101 से लेके 200 तक के कंपनियों के बारे में दे देगा। ऐसे ही करते हम देखते भी जा सकते हैं कितनी सारी कंपनियों के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 549 वैलिड RPSL कंपनियाँ हैं भारत में। उसके बाद इन वैलिड कंपनियों का लिस्ट देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इन वैलिड RPSL लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो वे कंपनियाँ सब आ जाएंगी, उनके बारे में सब कुछ लिख के आ जाएगा। अभी इन कंपनियों के नाम, RPSL नंबर और इशू डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब कुछ है, सस्पेंडेड है और किस वजह से सस्पेंडेड है, कब है सस्पेंडेड, मतलब इनवैलिड स्टेटस में दे सकते हैं, ये सब इनवैलिड है। तो ऐसी कंपनी अप्रोच करे या कोई अप्रोच कराए तो आप उससे सावधान रहें। तो कुछ तो RPSL एजेंसी अपना रिन्यूअल नहीं करा पाती है, इसके वजह से इनवैलिड हो जाती है।
कुछ अन्य कई केस हो जाने की वजह से इनवैलिड कर दिए जाते हैं। ये टोटल 297 कंपनियां इनवैलिड है और अभी 1000 है, अभी आप और भी बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं जैसा पहले हुआ था। अभी जैसे कोई कंपनी आपको ज्वाइनिंग दे रही है कोई, या कोई एजेंट जिस RPSL से करना चाह रहा है उसके बारे में आपको पता है, तो उस कंपनी RPSL एजेंसी को चेक करना हो वैलिड या इनवैलिड, तो जैसे अभी हम सिनर्जी लिखे हैं तो आप देख सकते हैं सिनर्जी नाम से 3 कंपनियां हैं, 3 RPSL एजेंसियां हैं, तो उनका डिटेल्स आ गया है। तो और इसका आप चेक कर सकते हैं वैलिड है, और ईमेल एड्रेस ये सब कुछ आप देख सकते हैं जो भी डेटा इसमें डाला गया है। और जैसे कि कुछ फ्रॉड एजेंसियां आपसे कांटेक्ट करे तो उसके बारे में जानना हो, जैसे मैं इधर लिखता हूँ TMC, कोई TMC नाम की, सपोज कोई TMC नाम की रिक्रूटमेंट एजेंसी है या कंपनी, तो आप देख सकते हैं TMC नाम की कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है ही नहीं। अगर इस नाम से कोई आपसे ज्वाइनिंग के लिए बात करे तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड करने वाला है। और वैसे अभी तो कुछ वैलिड RPSL एजेंसियाँ भी हैं जो अनऑफिशियल फ्रॉड कर ही देती है, लेकिन DGCPing बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, अभी कोई भी ऐसा करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और कई बातों पर कार्रवाई होगी, उसे कई जगह से टारगेट किया जाएगा। और ब्लैक लिस्टेड शिपिंग कंपनी जहाज या RPSL एजेंसी के बारे में जानना हो तो वापस आएंगे DGCPing के होम वाले टैब पे। फिर ये जो ब्लैक लिस्ट ऑफ डिफ़ॉल्टर शिपिंग कंपनीज ये है, इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद वो पेज खुल के आ जाएगा, ब्लैक लिस्टेड शिपिंग कंपनीज, RPSL एजेंसी और जहाज़ों के जो भी है। इसे चाहे तो हम इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं।